कार्यक्रम न्याय मंच में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको न्याय और न्याय प्रणाली के विषय से अवगत कराते हैं और यहां तक संभव हो सके आपकी कानूनी समस्याओं का हल तलाशने में भी आपकी सहायता करते हैं दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चालीस और पचास के दशक में स्वर्गीय के एल का एक गाना बहुत मकबूल हुआ और उस गाने के बोल थे एक बंगला बने न्यारा जिसमें रहे कुनबा सा उसके बाद अगर आप पचास और साठ के दशक में आ जाते हैं तो देवानंद साहब उछल कूद करके एक गीत गाया करते थे एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने और जब सत्तर और 80 की बात आती है तो मुझे याद आता है घरोंदा फिल्म गुरुंदा फिल्म में जो चरित्र थे वो सिर्फ सपने ही लेते रहते थे ख्वाब ही लेते रहते थे कि मेरे घर की खिड़की यहाँ होगी दरवाज़ा यहाँ होगा और ड्राइंग रूम वहाँ होगा लेकिन हकीकत में वो घर उन्हें कभी नहीं मिल पाता इसके साथ ही साथ घोसला का घोसला जब ये फिल्म आती है तो उस घर के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है क्या मशक्क़त करनी पड़ती है और बिल्डर से किस तरह से जूझना पड़ता है वो सारी बातें सामने आती हैं माफ़ कीजिएगा। आज का विषय जो है वो फिल्म और फिल्मी गीत नहीं है लेकिन फिल्में जो हैं वो अक्कासी करती हैं रिफ्लेक्टिव होती हैं उस दौर की जिसमें वो बनाई जाती हैं रोटी कपड़ा और मकान रोटी कपड़ा तो ठीक है लेकिन मकान ये शय एक ऐसी शय हो गई है जो आज बड़ा मुश्किल है सोचना उसके बारे में और ना जाने कितनी आंखें जो हैं वो इस हसीन सपने को संजोए हुए हैं कि एक दिन उनका अपना घर होगा क्या है स्थिति क्या है हालात आइए लेते हैं एक जा हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होता मैंने सोचा रिटायरमेंट के बाद मेरा कुछ जो है भला हो जाएगा और जो मेरी इनकम है उसमें मैं अपने लिए एक आशियाना बना सकूंगा लेकिन सुपर ट्रैक ने जो कि डिस्प्यूटेड लैंड थी उसका जो सारा कहानी थी हमसे छुपाई थी और बाद में डिस्प्यूट हो गया कोर्ट में केस चला गया जो हमारे सपने थे वो चूर चूर हो गए 2011 में डिस्प्यूट आ गया और लोन होना बंद हो गया उसके बाद एन का अप्रूवल आया और फिर जैसे ही ये प्रोजेक्ट खुला इन्होंने फिर हमें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया कि भाई आपने दस बुकिंग uh, अमाउंट जमा नहीं कराया जबकि हम बीएसपी बेसिक सेल प्राइस का दस परसेंट दे चुके थे ने बीस परसेंट रुपया चला गया है हमारा ई एम जा रहा है हम इंटरेस्ट भर रहे हैं लेकिन आज दो हज़ार में वो हमें एक कैंसलेशन का लेटर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपका बुक कैंसिल कर दिया अब हम कहाँ जाएँ मैं अपने मम्मी पापा की तरफ देखता हूँ उन्हें मेहनत करते हुए देखता हूँ उनकी एक एक पैसे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पापा इतनी मेहनत से कमा रहे हैं और ये बिल्डर्स जो है हमारे जिनके हमने सोचा था कि हमारे लिए एक बुक कर रहे हैं कि हमारे लिए एक घर हो जाएगा आने वाले टाइम में पर इन बिल्डर्स ने हमारे साथ ऐसा किया है कि ना तो हम मकान ले पा रहे हैं अपना और ना हमारे पास कुछ है मेरे पति अस्थेमेटिक पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा उनको अस्थमा की बीमारी रहती है लेकिन अब तीन साल के चक्कर काटने के बाद हम लोग चक्कर लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे उन्होंने हमारा फ्लैट आखिरकार कैंसिल कर दिया ये बिल्डर की तानाशाही है जिसकी वजह से आज हम बहुत सह रहे हैं और हम अब खरीद नहीं सकते हैं मकान अब हम क्या करें कोर्ट में जाने के बाद और वहाँ से रिलीफ ऑर्डर लाने के बाद भी बिल्डर उसका उल्टा जवाब देता है क्योंकि उनके पास बड़े बड़े वकील हैं उनके पास पैसा है उनके पास ताकत है हमारे पास क्या है इसके लिए बहुत खर्चे किए परेशानी में पिस गए एक तरह से मेरा परिवार पिस गया इन इन बिटवीन एक्सीडेंट भी हो गया था मेरे बेट का हाथ टूट गया तो सर हम आप बताइए हम घर लेंगे कि अपने बच्चे को देखेंगे लेकिन ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं सर बहुतों की राय के मकान लेना बहुत कठिन कम से कम इस जन्म में नहीं अगर ये मकान आपको दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लेना है और साथ ही साथ ये बात उभरी कि बहुत ही बड़ा माफिया जो भू माफिया कह लीजिए बिल्डिंग बिल्डर माफिया कह लीजिए उसका पदार्पण और ये अभिजातीय वर्ग और ये वर्ग जो है वो काफ़ी शक्तिशाली लेकिन मकान एक ऐसा सपना जो हर कोई अपने आंखों में संजोए हुए है बात यह आती है कि एक ये क्षेत्र ऐसा रहा जो अनरेगुलेटेड रहा और इसमें किसी भी तरह का, का कानून कायदा जो है बहुत बातें होती रही मीडिया भी बातें करता रहा आ, बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए लेकिन आखिरकार बहुत सालों की चेष्टाओं के बाद और कोशिशों के बाद 5 जून 2013 को सरकार ने ड्राफ्ट रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल लाया है जो इसके बाद सदन में रखा जाएगा और जब ये पारित हो जाता है तो इस बिल को राज्य जो है वो अडॉप्ट करेंगे क्या है ये बिल क्या है इसकी धाराएं आइए सुनते हैं इस मुद्दा में। साथियों मुद्दा में अपना परिचय कराना चाहूंगा अपने विशेष मेहमानों से सबसे पहले विजय त्रिवेदी साहब विजय त्रिवेदी जो है ये एक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं प्रस्पेक्टिव बाहर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में जो एक मूवमेंट उभरी आप उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं नितिन सक्सेना साहब आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और खास करके जो बिल्डर और बिल्डिंग और भूमि से जो जुड़े मुद्दे में है उसमें आप एक्टिविस्ट रहे हैं और मेरे तीसरे साथी हैं मनीष चिब्बर साहब मनीष चिब्बर साहब इंडियन एक्सप्रेस के जाने माने पत्रकार हैं और अक्सर अपनी राय जो है वो इन मुद्दों के ऊपर वो देते हैं सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपना मनीष ये जो ये जो बात है जो रेगुलेशन की बात आ रही थी या बिल्डिंग की बात जो आ रही थी एक बात तो सही है कि राज्य जो है स्टेट जो है वो बहुत कामयाब नहीं रहा नाकामयाबी कहूंगा कि वो आपूर्ति कर सके और मकान जो है वो लोगों को दिला सके अब मकान तो बड़ा ज़रूरी है लेकिन ये जो जो लेखा जोखा रहा जो पिछले दस साल का पंद्रह साल का वो क्या था काफ़ी साल से ये एक डिमांड थी कि जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है उसको आप रेगुलेट करिए क्योंकि जो कमर्शलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है पहले तो अब जैसे दिल्ली में अगर आप ले लें सिर्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी थी जो लोगों को मकान बना के बेचती थी अब डीडीए मेरे ख्याल से पिछले दस सालों में एक या दो स्कीम्स आई हैं उनकी और अब सारे का सारा जो दारदार है वो शिफ्ट हो गया प्राइवेट बिल्डर्स पे तो प्राइवेट बिल्डर्स जब आए तो उनके आ, उनके मन में तो एक ही बात है वो ये है कि प्रॉफिट कैसे करना है अब प्रॉफ़िट वो कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द बायर एक आदमी है वो मकान लेने जाता है और अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी उस मकान में लगाता है और पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल हो जाते हैं मकान का पोजीशन नहीं मिलता है तो ये काफ़ी साल से एक डिमांड थी कि भई अब आप इस सेक्टर को रेगुलेट करिए जैसे आप एजुकेशन को रेगुलेट कर रहे हैं हर सेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं अगर आपने एक दुकान खोल लिया उसके लिए दस तरह के लाइसेंसेस चाहिए आपको लेकिन अगर आप एक बिल्डर बन गए तो आपको कोई लाइसेंस नहीं कोई आपको पूछ नहीं सकता कोई कोर्ट आपके आप हस्तक्षेप लेकिन मनीष यहाँ पर मैं विजय के पास आना चाहूंगा जो एक मुक्त भोगी है विजय जब नोएडा एक्सटेंशन में आपने मकान लिए आपके साथियों ने मकान लिए और उसके बाद पता चला कि बहुत ही जगहों के ऊपर आपको डिसीट किया गया है आपको धोखा दिया गया है तो एक मूवमेंट के रूप में जो जो था एक पूरा उभरा लेकिन क्या तजुर्बे रहे आपके हम जानना चाहते हैं अपने लिए और दर्शकों के लिए एक्चुअली में नोएडा एक्सटेंशन की जो जमीन अलॉट करी गई थी वो ग्रेटर नोदा अथॉरिटी द्वारा अलॉट की गई थी तो जिस समय बायर यहाँ पर ख़रीदने के लिए आया उसने सोचा कि यहाँ पर जो ज़मीन अलॉट हुई है वो गवर्नमेंट द्वारा अलॉट की गई है तो यहाँ पर जो फ्लैट है लेना सेफ़ है हर तरीके से और प्रोमिनेंट बिल्डरों के नाम भी थे उसके अंदर तो हर तरीके से उसको सेफ़ लगा लेकिन जब बाद में किसानों का आंदोलन सामने आया और उसको लगा कि यहाँ पर तो ये लिटिगेशन में मैटर है सारा तब तो उसको लगा कि मैं फंस गया हूँ कहीं ना कहीं और उसने अपना पैसा उस समय मांगना चाहा बिल्डरों से तो बिल्ड्रोन ने उस समय तो उनके साथ में एक गेम खेला और उनको पूरा आश्वासन दिया इस चीज़ का कि आप चिंता मत करिए एक बार लिटिगेशन को पूरा हो जाने दीजिए हम आपको आपके कमिटेड प्राइस पे जिस पर कि आपने बुकिंग करी है हम आपको फ्लैट देंगे लेकिन इस सब पीरियड के अंदर जब सब अप्रूवल्स आ गए इवन एन का कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके बाद उन्होंने अपने गेम द्वारा से खेलना शुरू करे और उन्होंने बायर्स को जो कि बोनाफाइड बायर थे पुराने बायर्स थे कैंसिलेशन चालू कर दिए क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड प्राइस काफी हाइक हो गए अप्रूवल्स मिल गई गवर्नमेंट्स की उनको तो प्राइस हाइक होने की वजह से एक लालच आ गया बिल्डर के अंदर जैसे मरीज जी ने भी कहा कि लालच की बिजनेस कर रहे हैं वो लोग तो लालच आ गया और उन्होंने पुराने बायर्स को कैंसिलेशन करना चालू कर दिया डिफरेंट ग्राउंड पे कि आपका दो रुपया कम है आपका एक हजार रुपया कम और है। फिर यहाँ पर नितिन आप काफी अरसे से हमने बहुत आवाज़ उठाई आपके साथ मिलकर के कि भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी आनी चाहिए आपने बहुत सारे केसेस जो हैं वो लड़े हैं इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस समय जो आ, बिल्डर है वो एक तरह से कंज्यूमर के मनी से ही गेम खेल रहा है वो एक एडवर्टाइजमेंट देता है चाहे वो प्रोजेक्ट आए या ना आए वो एक एडवर्टाइजमेंट एक अच्छे न्यूज़पेपर में देता है ग्लॉसी एडवर्टाइजमेंट देता है और कंज्यूमर से एप्लीकेशंस ऑन करता है और कंज्यूमर एक पॉपुलेशन के कारण हर एक आदमी को एक अपना मकान चाहिए होता है क्योंकि वो जानता है कि एक किराए के मकान में कब तक रहेंगे एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं इनकम टैक्स रिबेट्स वगैरह भी मिलते हैं ये सारे बेनिफिट्स को देखते हुए वो बिल्डर्स के चंगुल में फंस जाता है जिस समय वो बुकिंग करता है तब तक तो, तो बिल्डर के उसका जो बिहेवियर होता है बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहता है सॉफ्ट रहता है जैसे ही उसने बुकिंग कर ली उसको पैसे दे दिए बिल्डर्स का कलर एकदम चेंज हो जाता है और वो वही काम करता है जो एक तरह से डिक्टेटर्स जो लोग करते थे इस तरह से कि हम आपको यहाँ फ्लैट देंगे वहाँ देंगे और फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन्स कर देते हैं कारपेट एरिया सुपर एरिया में उसको कन्फ्यूज़न कर देते हैं कि आपको सुपर एरिया इतना मिलेगा जब बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं जी वो तो कारपेट एरिया आपको इतना मिलेगा तो वो कंज्यूमर इन दोनों चीज़ों में फंस जाता है सोचता है कि कारपेट एरिया और ये कवर्ड एरिया ये सुपर एरिया है क्या चीज़ इन हालातों के बीच में हमारे पास ड्राफ्ट बिल आता है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट दो ये बिल क्या है देखिए अभी तो जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ ये बिल पास किया है कैबिनेट से अप्रूव करवाया है अभी कैबिनेट के बाद वो अप्रूव हुआ है अब ये अगर गवर्नमेंट चाहेगी और अब तो इस गवर्नमेंट के पास इतना टाइम भी नहीं है इलेक्शन भी एक साल से कम रह गया सो फिर इसके बाद ये इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा में या राज्यसभा में उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के कार्यकाल में ये हो पाएगा लेकिन एक देखने की बात यह है कि ये जो डिमांड है और ये बिल पे काम चल रहा है पिछले पंद्रह साल से चल रहा है तो अगर सरकार चाहे तो और लोगों को अगर कंज्यूमर हित में काम करना है जो आम आदमी है ये सरकार भी आम आदमी की सरकार अपने को कहती है अगर ये करना चाहते हैं तो मानसून सेशन आ रहा है उसमें ये इंट्रोड्यूस कराए और इसी सेशन में पास करें मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको अपोज करेगी नहीं तो अगले पंद्रह साल फिर लोग वेट करते रहे बड़ा सुखद लगता है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो तय की जाएगी और पंद्रह दिन के समय में उसको फैसला लेना होगा कि ये प्रोजेक्ट आ, आएगा या नहीं आएगा कारण बताने होंगे वगैरह 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 मोटे तौर पर क्या प्रोविजन हैं जो आप समझते हैं जो बायर्स के हित में होंगे और ये बहुत अच्छे हैं हालांकि हमें हमें दूसरा दूसरा पक्ष जो है जो बिल्डर का पक्ष है हमें 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 वो हम वो भी लेंगे लेकिन फिलहाल शुरुआत इससे करते हैं मोटे मोटे तरह के जो साइलेंट फीचर्स उसमें यह है कि आप है ना जो भी कंज्यूमर का अमाउंट जो डिपॉजिटेड है आप उसका ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इस फंड से दूसरे जगह प्रोजेक्ट्स में और दूसरी ये बात यह है कि आप है ना जो समय जो आपने बताया है कंज्यूमर को उस समय के अंदर आप प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे जितना आपने समय बताया ये नहीं कि आपने, आपने बताया तीन साल और आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं साल के अंदर और अगर और तीसरी चीज और इन्होंने ये चीज़ प्री लॉन्चिंग जो आप लगातार सारे ही बिल्डर्स जो कर रहे हैं चाहे प्रोमिनंट बिल्डर्स हों चाहे छोटे बिल्डर्स हों वो एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाएगी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन विजय आपके पास आना चाहूंगा आपका जो तजर्बा रहा ये बिल तो आ रहा है ड्राफ्ट बिल तो आ रहा है और आप इस समय कोर्ट कचहरियों में रहे हैं तो जो टैक्टिक्स जो बिल्डर जो बा, बा, जो इस्तेमाल बिल आता है वो जो आप गुजर चुके हैं उस चीज से तो आपको लगता है कि इस ड्राफ्ट बिल से उसमें कुछ कमी आएगी देखिए जो ड्राफ्ट बिल है वो आने वाले लोगों के लिए है जो पीछे के हैं लोग हैं उनके लिए तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा ये क्योंकि अभी जैसे बताया कि आने में भी काफी समय आएगा इस बिल से जो रेगुलेटरी बिल आने का जो बात है उसमें क्या है कि बायर्स को जो फायदा होने वाला है उसका मैनुपलेशन बिल्डर पहले से करके बैठते हैं इस चीज़ का कि मुझे इस बिल को कैसे मैनुपलेट करना है ठीक है क्योंकि आज तक जितना भी बिल आए हैं चाहे यूपी का अपार्टमेंट एक्ट हो आज तक वो यूपी के अंदर लागू है लेकिन बिल्डर उसको ओबे नहीं कर रहे उसको ठीक है और उसके लिए कोई कहने वाला भी नहीं है कोई सुनने वाला भी नहीं है और जहां बिल की बात है मुझे भी यही लगता है कि अगर आता भी है ये आने में ही संदेह है इसके तो क्योंकि ये लॉबी बहुत तगड़ी है इसको रोकने की कोशिश करेगी और अगर आता भी है तो इसका उनके पास ऑलरेडी तैयार होगा बायर की जो बात है आज नहीं सुनी जा रही थी पीछे भी नहीं सुनी जा रही थी और आगे भी शायद नहीं सुनी लेकिन मनीष पर ये जो इसके प्रावधान जो है कम से कम बहुत जो सुखद लगते हैं कि अगर ये कानून आ जाता है जिसमें ये एक बात कही गई है कि जो बायर से पैसा लिया जाएगा उसका सत्तर प्रतिशत एक अकाउंट खोला जाएगा उसका सुनने में तो ये सब चीजें अच्छी लगती है लेकिन सब लॉ जो हिंदुस्तान में है वो इसी वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक आप रेगुलेटर बिठाएंगे रेगुलेटर कौन होगा रिटायर्ड बाबू होंगे ये वही ऑफिसर्स होंगे जो जब तक उन पोस्ट पे थे इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो आगे मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है अनलेस अनलेस ये गवर्नमेंट ये मान के चले कि ये क्योंकि बायर जो जो प्रॉपर्टी हाउसिंग सेक्टर है वो एक इस समय बहुत बढ़िया सेक्टर है और आम आदमी से जुड़ा हुआ है हर आदमी का एक खाब है कि मेरा भी एक मकान हो अगर सरकार उसको वोट बैंक की तरह देख के उसके हित में काम करे और एक जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर लाए

96 से 97 से हम लगातार लिख रहे हैं अपने न्यूज़पेपर में कॉलम्स भी लिख रहे हैं कि रियल एस्टेट को रेगुलेटरी बिल आना चाहिए क्योंकि कंज्यूमर शिकायत कहाँ करेगा बिल्डर्स के पास ही करेगा अगर करता है तो और दूसरे ऑप्शन क्या हैं कि वो कंज्यूमर फॉरम्स में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा जहाँ तक नाइन्टीज़ की बात थी या टू तक की बात थी तब तक तो ठीक था कि कंज्यूमर फॉरम्स बहुत जल्दी डिसीजन दे रहे थे बहुत अच्छे डिसीजनस दिए हैं जिसके कारण बिल्डर पर एक लगाम भी लगी है और जो नेशनल कमीशन के इतने अच्छे डिसीजन आए कि बिल्डर से एक तरह से खौफ आ गया था कि अगर यहाँ अगर मैं आ गया तो मेरी शहमत आ जाएगी पर अब मामला ये हो गया कि कंज्यूमर फॉरम्स भी एक तरह के सिविल कोर्ट्स बन गए हैं वहाँ मामले छः छः महीने में आपकी डेट्स नहीं मिल रही सुनवाई बड़ी डिले हो रहा है और वहाँ पे भी एडजोनमेंट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं जिसके कारण बिल्डर भी बहुत खुश हो गया कि चलिए इसका फायदा हमें यूँ मिल रहा है कि पॉपुलेशन तो कहने का मतलब ये है कि जब रेगु, एक रेगुलेटर जो आ जाता हाँ। है तो उससे काफी चीज़ें जो है वो रेगुलेट आ, हो जाएगी हमने यही सोचा है पर वो बात बिल्कुल सही है कि अगर रेगुलेटर वो रेगुलेटर की जगह जो बॉडी है अगर जो उसमें एक जुडिशल ऑफिसर भी है अगर वो इस जुडिशल ऑफिसर अपनी पावर एक्सरसाइज करता है जो उसको एकस, मिलेंगी एक सिविल को एक सिविल जज के कोर्ट की तरह अगर वो एक्सरसाइज करता है तो नेचुरली तो ने, कंज्यूमर्स को फायदा एक, होना एक चाहिए। एक मुद्दा तो ये हो गया कि सबसे पहले जो जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए और वो बहुत मजबूत होनी चाहिए बहुत पावरफुल होनी चाहिए ताकि जो इतना बड़ा वसी जो है जो 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 बिल्डर्स का एक जमात है वो उससे जूझ सके साथ ही साथ में जो दूसरी बात स्टैंडर्डाइजेशन की आती है बहुत ज़्यादा विजय जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा ये बिल ये कहता है कि भाई स्पेसिफिकेशंस जो है वो बिल्कुल रजिस्टर कराई जाएंगी एक प्रोजेक्ट की जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा और वो पब्लिकली डिस्प्ले की जाएंगी उसमें अगर वो कोई बदलाव लाने की कोशिश करता है या उसमें करता है तो वो उसकी लाइबिलिटी उसकी उसकी पीनर लाइबिलिटी उसकी होगी तो क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों से जो है वो कुछ कंट्रोल किया जाएगा सत्तर परसेंट की जो कॉस्ट है वो आपको बैंक में अलग डिपॉजिट करनी पड़ेगी उसका क्या होगा कि अभी एज ए होल कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती थी किसी चीज़ के लिए ठीक है अब क्या है कि ये प्रोजेक्ट वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी उन्होंने इसके अंदर अगर एक प्रोजेक्ट स्क्रैप होता है तो उसी के लिए पर्टिकुलर वो लागू होगी बाकी कंपनी सेफ रहेगी बाकी कंपनी पर इफेक्ट नहीं आएगा उसका तो अगर कोई उसके ऊपर दिक्कत आती भी है तो कहीं से उसको पैसा देना होता है तो उस प्रोजेक्ट में जितना पैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट कर अदरवाइज सब... मनीष क्या क्या ये अकॉर्डिंग सही नहीं है कि मान लीजिए अगर एक प्रोजेक्ट से लोग जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं सो आदमी है दो आदमी है तो उनको उस बिल के प्रोविजन पर ला करके मतलब सजा का या पैनल का प्रावधान किया देखिए इस पूरे बिल में जो मेरे हिसाब से रेगुलेटर के अलावा जो सबसे बड़ा एक प्रावधान है जो जो बढ़िया भी है और अगर अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होगा तो उससे वाकई बायर्स को फ़ायदा होगा वो है पनिशमेंट क्लॉज जिसमें यह है कि अगर बिल्डर किसी प्रोस्पेक्टिव बायर को मिसलीड करता है कुछ झूठे वायदे करता है तो आप उसके खिलाफ केस करेंगे और उसको तीन साल तक की सज़ा और दस परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइन हो सकता है दोनों चीज़ें हो सकती हैं मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है अगर लेकिन इन सब सवालों का जवाब आज से हम दो साल बाद यही बात कर रहे होंगे क्योंकि बिल पास होगा या नहीं होगा यही अभी देखने वाली बात है बिल्कुल ड्राफ्ट बिल को हम इसलिए यहाँ बहस का मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास मौका है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अभी जब बहस होगी जो हमारे जो एम हैं वो और डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज जो हैं तो उस समय वो प्रेशर्स बनाए जा सकते हैं जो आप चाहते हैं क्योंकि आप आ, आप अधिकारी हैं मताधिकारी हैं आप और आपकी बात जो है उनके द्वारा वहां पर सदन में रखी जा सकती है एक तो ये हुआ नितिन चूंकि हमारे पास दूसरा पक्ष जो है बिल्डर्स का वो हमारे पास नहीं है क्योंकि आप संपर्क में हैं, वो होते तो बहुत अच्छा होता आ, बात होती लेकिन कैसा माहौल है मतलब बिल्डर क्या सोच रहा है इस समय इस बिल्डर, बिल्डर देखिए अभी जो शामत आएगी अगर ये बिल आ जाता है तो शामत आएगी छोटे बिल्डर्स के ऊपर बहुत जबरदस्त शामत आएगी क्योंकि एक बड़ा बिल्डर तो एक चीज़ को सहन कर लेगा वो प्रोजेक्ट टाइमली लेकर आएगा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी मेंटेन करेगा और प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी जल्दी करने की कोशिश करेगा हो ही हो रहा है कि अब ये जो छोटे बिल्डर्स हैं क्योंकि बड़े बिल्डर्स के भाव इतने बढ़ गए थे कि लोग छोटे बिल्डर्स में भी जाने लग गए थे पैसा वहाँ भी लगाने लग गए थे और उन्होंने यही काम किया कि पैसा लेकर वो भाग जा रहे थे और कंज्यूमर्स कंज्यूमर फोरम्स फॉरम्स जा रहे थे या सिविल कोर्ट जा रहे थे या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में चक्कर काट रहे थे यही हो रहा था अब अगर ये बिल आ गया तो नेचुरली उनके ऊपर तो ज़बरदस्त शामत आ जाएगी और जो बड़े बिल्डर्स हैं वो कोशिश करेंगे हम टाइमली इसको पूरा करें कॉस्ट इससे रियल इस्टेट की बढ़ जाएगी जो अभी जो कॉस्ट ले रहे हैं और लेकिन इनकी इस स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप मैं संक्षिप्त में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए चलिए एक बड़ा निराशात्मक हमारा हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई हर कानून ऐसे आता है कानून की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती और आ, मीडिया का एक रोल ये रहता है कि हम इस मुद्दे को यहां पर उठा रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि इस बिल में क्या आना चाहिए किस तरह के प्रावधान होने चाहिए ताकि ये ज्यादा स्ट्रांग और सशक्त बन सके देखिए अभी जैसे सक्सेना जी ने कहा कि छोटे बिल्डर पर आफत आएगी छोटे बिल्डरों को उन्होंने इस बिल के अंदर लिया ही नहीं है जब उन्होंने चार हजार स्क्वायर मीटर का जो ऊपर के प्रोजेक्ट हैं वो भी इस बिल के अंदर लिए गए हैं जब किसी इम्प्लीमेंट किसी कानून को आप करते हैं तो जो जिसकी बॉडी है जिससे आपके लिए काम कर रहे हैं जिसके लिए बिल बना रहे हैं उसमें एक आप सबको क्यों नहीं लेते एक तो सबसे बड़ा यह है फिर सबसे बड़ी बात मुद्दा यह है कि अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि बिल सही तरीके से आए तो इसके लिए आप ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम बनाइए कि जो कंसर्निंग अथॉरिटी है या अलॉटेड अथॉरिटी है उसको रिपोर्टिंग हो मंथली बेसिस पे सपोज फॉर एग्जाम्पल बायर्स की कितनी बुकिंग हुई कौन कौन से फ्लैट उनको अलॉट हुए इसकी एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी को जाए जिससे क्या है कि दो साइड में कॉपी रहेंगी अभी क्या होता है कि बिल्डर के पास सब कुछ होता है और बायर के पास में बायर अकेला होता है बिल्डर एक बहुत बड़ा ही माफिया होता है जब बायर उसके पास में या उससे कुछ गलत करता है तो जब बायर उसके पास में जाता है बिल्डर के पास में तो वो कहता है आपको लेना है तो ले लो नहीं लेना है तो अपना पैसा पकड़ो वापस और अपने घर जाके बैठो वो कहता है ठीक है साहब मेरे को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो मेरे को यहाँ दे दो तो उसको मजबूरी हो जाती है लेकिन जब अथॉरिटी के पास में वो चीज़ होगी तो कहेगा साहब मैंने देखिए ये फ्लैट बुक कराया था और मैं कहीं भी डिफॉल्टी नहीं हूँ लेकिन बिल्डर मुझे परेशान कर रहा है अच्छा नितिन आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं बिल्डर के खिलाफ भी कोई एक एजेंसी नहीं है इन्वायरमेंट से लेना है उसको परमिशन सब कई एजेंसीज से लेना है उसको परमिशन्स जिसके कारण एक तो कॉस्ट बढ़ जाती है और एजेंसीज़ होने के कारण वो टाइम कंज्यूम होता है बिल्डर ये चाहेगा कि भाई सिंगल विंडो अगर हो मेरे को और टाइम कंज्यूमिंग अगर नहीं हो तो मैं प्रोजेक्ट जल्दी दे दूंगा बिल्डर हमेशा यही पल्ला झाड़ता है कि भाई इधर मैं गया उधर गया और मैं, मैंने यहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले के पास गया वहाँ परमिशन में देरी हो गई वहाँ वो फाइल लेकर बैठ गए वहाँ वो पैसे खा रहे थे मेरे को इतना पैसा रिश्वत देना पड़ा ये करना पड़ा वो करना पड़ा अगर बिल्डर के अगर निगाहों से अगर देखी जाए तो ये काफ़ी कुछ बात सही है अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो टाइम एक तो कंज्यूमिंग होता है और पैसा का पैसा लगता है दोनों ही चीज़ लगती है अगर ये चीज़ अगर एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए एक जगह आपको जो परमिशन लेनी है एक जगह से परमिशन लो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करो आपके आप टाइटल आप

इस आवाज को बुलंद करने के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे इस कॉमन मैन के पास क्या क्या जरिए हैं आज की स्थिति में और उसके बाद देखिए अभी तो कैबिनेट में क्लियर हो गया है ये बिल अब इसके बाद गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट में लाएगी अपनी मर्जी जब गवर्नमेंट का मन करेगा और जब उसे लगेगा कि हम इसको पास कराने की स्थिति में है तो जब एक बार वहाँ आ गया फिर मोस्ट लाइकली इसको स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे तो स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक जाके रिप्रेजेंटेशन दे सकता है खुद अपीयर हो सकता है थ्रू ईमेल भेज सकता है चिट्ठी भेज सकता है टेलीफोन पे बता सकता है कि मैं मेरे हिसाब से इस बिल में ये ये चेंजेस हैं और उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आती है स्टैंडिंग कमेटी जिसमें सारे एम रहते हैं वो लोगों से पूछते हैं कि आपको इस बिल के बारे में अगर कुछ कहना है अच्छा बुरा कुछ कुछ आप इसमें बदलाव चाहते हैं हमें बताइए वो स्टेज है उससे पहले भी सिंस ये अभी कैबिनेट नोट है और क्लियर हुआ है अभी ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही बिल जाके आगे पेश हो जाए गवर्नमेंट इसमें अभी भी बदलाव कर सकती है अगर आप इस बिल की प्रावधानों से खुश नहीं है आप अभी भी सरकार को लिखिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को लिखिए कि इसमें ये क्लॉज है इस फ्ला क्लॉज को आप ऐसे करिए इस तरह के जो कानून आते हैं उन कानूनों को आप ही के लिए बनाया जाता है लेकिन उन कानूनों को सशक्त बनाने के लिए बहुत मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम के अंक से मैं इजाजत लेता हूँ सबका धन्यवाद विजय त्रिवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए नितिन थैंक यू वेरी मच मनीष जी बहुत शुक्रिया आने के लिए और हमें लिखना मत भूलिएगा क्योंकि हम वही मुद्दे लेना चाहते हैं जो आपके साथ जुड़े हैं और आम नागरिक को फायदा देते हैं नमस्कार यह है हमारा पता